हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस? मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स इन टाइम पे। गाइस, इस चैनल पर जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, हम लोग उसके 10-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो हैं आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं सब बिगिनिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस अभी तक मैंने नहीं है तो कम से कम 200+ जो स्कीम्स है, कैंपेनिंग्स है, इनिशिएटिव, सब पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आप उन सभी को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी हाल ही में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट किया गया है। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है ये बहुत हाई जाने वाला है इस बार। वैसे बजट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करने जाएँ तो ये 3.3 या 3.4 रहने वाला था, लेकिन स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि जो डेफिसिट एक्चुअली में 3.3 जो है एक्सपेक्टेड था। ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया था लेकिन वो 3.6, और अभी कोरोना ने तो सभी की हालत ख़राब कर दी, आपको मालूम है। ठीक है, तो जीडीपी भी की कुछ खास अच्छी कंडीशन नहीं है और फिस्कल डेफिसिट ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल पीक पोजिशन पर इस समय। ठीक है, तो सारे अपडेट क्या है इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम है शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग अभी तक गाइज में 1 लाख से ज़्यादा आप जानते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको घर बैठे हुए 30 करता है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स उनके आप डेली अनलिमिटेड लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर बेसिक से लेके एडवांस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉपर चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्लस एनरोलमेंट करना होगा। प्लस एनरोलमेंट के अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से किसी एक प्लान को सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे बेटर प्लान है 1 ईयर का प्लान और 2 ईयर का प्लान। ठीक है, तो जो 2 साल का प्लान है ये पड़ता है आपको 6480 का, और 1 ईयर का प्लान है 5400। ये 10% डिस्काउंट इंक्लूड करके है। ये 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ता है, और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा इसके। चलिए अब बात करते हैं जो अपडेट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो फिस्कल डेफिसिट है ये बढ़कर के अब 7.6% हो गया है जीडीपी का, और इंडियन जीडीपी भी लगभग 2021 तक 5.3% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसमें संकुचन हो जाएगा। अब तो पहले तो फिस्कल डेफिसिट समझते हैं ज़रा होता क्या है। 4 तरह के डेफिसिट आपसे पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है ट्रेड डेफिसिट, एक होता है आपका कौन सा फिस्कल डेफिसिट, और एक और हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। आप प्लस पर मैंने ये सभी थ्योरी में बैच अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के सभी चीज़ों को प्रॉपर डिटेल में समझ सकते हैं। तो एक होता है रेवेन्यू, एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है ट्रेड। लेकिन फिलहाल जून में हमारा जो ट्रेड था वो व्यापार था, सरप्लस पहुंच गया था। ट्रेड मतलब कैसे, जब आप डेफिसिट का मतलब क्या है कि जब आप कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम जून में एटलीस्ट हमारा काफ़ी समय के बाद ट्रेड सरप्लस पहुँचा है। अच्छा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है इस समय नहीं इंपोर्ट की जा रही, और जान रहे हैं आप चाइना की चीज़ों का वैसे ही बहिष्कार चल रहा है। और फिर आप पढ़ते हैं किसके बारे में, फिस्कल, जिसके बारे में आज हम लोग अपडेट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक आता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसकी, फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट इन्होंने बोला है कि बढ़कर के 7.6% हो जाएगा, इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब ये है कि अगर हम कमाएंगे, हमारी जो इनकम होगी तो इनकम हमारी कितनी रहेगी, 100 रुपये। ठीक है, और हम खर्चा कितना करने जाएंगे तो हमारा जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो कितना रहेगा, 107.6। ठीक है, तो 107.06 रुपये, यानी कि पर हम 100 रुपये पर कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, 7.6। डेफिनेटली यार, इनकम 100 है हमारी, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 107.6 का, तो ये फिर हमारे किसको रिप्रेजेंट दिखाएगा, फिस्कल डेफिसिट को। और आप जानते हैं हमारा जो देश पर कर्ज है वो भी अभी हाल ही में बढ़ गया है। लगभग हमने ये जो देश का कर्ज है टोटल जीडीपी का 48% कुछ रिमेनिंग कर दिया था, लेकिन अब फिर से ये बढ़ करके धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाए। कोरोना की स्थिति में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, इसको कवर करने के लिए इंडिया को बहुत सारे जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन सबसे लोन बोरो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, किसको इस तरीके से समझ आ गया, डेफिसिट कितने टाइप के होते हैं आप समझ चुके हैं। बाकी रिमेनिंग हम लोग पार्ट्स को पढ़ते हैं। एज पर रिसर्च रिपोर्ट ऑफ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ठीक है, सेंटर फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2020 विच इज़ ट्वाइस द बजट एस्टिमेटेड। ठीक है, तो बजट का जो एस्टिमेटेड था आपको मैंने पहले ही बताया कि बजट का अराउंड जो एस्टिमेशन था वो यही था कि 3.3% जाएगा। ठीक है, इतना और आसानी से हम इसको कम करने का, लेकिन उसे 10 दो गुना चला गया।
Just twice the budget estimated as per the countries spend more to mitigate the impact of COVID-19 pandemic facing a shortfall in the revenue. ठीक है, तो आप जानते हैं कि पैंडमिक कोरोना के फैल जाने के बाद से मार्च से ही सभी लगभग जो बिजनेस थे लॉकडाउन की वजह से सभी जितना काम धंधा था वो सब बंद हो गया, और बंद होने से सरकार के टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं हुए. ठीक है, तो रेवेन्यू में प्रभाव पड़ा और रेवेन्यू में खर्चे तो लगातार चलते रहे, खर्चे और बढ़ गए. ठीक है, तो अगर रेवेन्यू आ नहीं रहा है और आपके एक्सपेंडिचर्स कंटिन्यू है तो डेफिनेटली फिर लॉस वाली यानी कि डेफिसिट कंडीशन तो हो ही जाएगी. ठीक है, रिपोर्ट ये भी कहती है द रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है भाई, 5.3% जीडीपी. तो ये रिपोर्ट ये भी बोलती है कि इंडिया का जो जीडीपी रेट है वो 2021 तक 5.3% से लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या हैं उस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं. तो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स में लिखा है द एग्रीगेट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर दोनों का, केंद्र सरकार और राज्य का दोनों का मिलाकर के कितना पहुंच जाएगा, 12.1% विथ स्टेट कंट्रीब्यूटिंग कितना है 4.5. तो सेंट्रल का कितना जाने वाला है इतना, ठीक है, और हमने यहाँ पे बात की स्टेट्स का कितना जाने वाला है 4.5, दोनों का मिलाकर के ठीक है कितना पहुंच जाने वाला है आपका 12.1%. और ये बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन नहीं है. ठीक है, ये पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, स्टेट लाइक आसाम गोवा गुजरात एंड सिक्किम आर लाइकली टू एक्सपीरियंस डबल डिजिट कॉन्ट्रेक्शन इन जीडीपी. ठीक है, तो जो सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा आसाम में, गोवा में, गुजरात में, सिक्किम में, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रेक्शन है यानी कि संक्षेपण है जीडीपी में वो जस्ट 2 गुना कम हो जाएगा. द डिक्रीज इन द ग्रोथ एंड रेवेन्यू विल इम्पैक्ट द फिस्कल डेफिसिट विच इज कॉन्सिडर्ड इन इम्पॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ सेक्टर. ठीक है, तो एक्चुअली में अगर हम बात करने जाएँ तो सबसे बड़ा लॉकडाउन के बाद आपको मालूम है कि जितने भी लगभग बिजनेसेस थे वो सभी बंद हो चुके थे. ठीक है, तो अभी हाल ही में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं बचा, तो सरकार का जब इनकम का सोर्सेज रेवेन्यू का सोर्सेज कम हो गया और एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ गए, इसी वजह से ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये इंक्रीज हुआ है. ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस स्टिमुलस पैकेज दैट डैमेज द फिस्कल डेफिसिट बाई 1.1%. तो आपको मालूम है सरकार ने एक 20 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा फंड अलोके अनाउंस किया हुआ था और बोला था कि लगभग जीडीपी का ये टोटल 10% के आसपास है, टोटल जीडीपी का कितना आपका 10% था. ठीक है, तो इस खर्चे के निकलने के बावजूद ही सिर्फ अकेला अगर देखा जाए तो जो टोटल फिस्कल डेफिसिट था वो 1.1% तक और ज़्यादा इंक्रीज हो गया. अब इस रेटिंग एजेंसी के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो ये जो रेटिंग एजेंसी है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट की गई है ये 100% ओन्ड है फिट्स ग्रुप के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO उनका नाम याद रखिएगा रोहित करण है. ठीक है, अभी हाल ही में न्यूज़ ये है इंडिया की जो इकोनॉमी है प्रिडिक्टेड -7.3% फाइनेंशियल ईयर 2021 ड्यू टू सेकंड वेव ऑफ द COVID-19. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जून 2020, और इंडिया जो GDP है कितना हो गया 2020 में 3.1%, पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज रिस्क मूडीज ग्लोबल मैक्रो आउटपुट. ठीक है, तो अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो ये GDP है जो हमारी निगेटिव में जाने की और अब देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से रिकवर कर पाएं, लेकिन कोरोना के केसेस देखा जाए तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं. आपको मालूम है कि कोरोना के केसेस में 10 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, तो अगर ये केसेस कंट्रोल नहीं होते हैं तो इतनी आसानी से तो हम GDP से रिकवर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो उम्मीद हो गाइस कि आपको जो अपडेट्स हैं पसंद आए होंगे. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका राय क्या है, आप क्या सोचते हैं कि GDP हमारी कब तक और किस टाइम तक ये रिकवर कर पाएगी, बूम अप में आ पाएगी दोबारा. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप दैट इज करेंट अफेयर्स चैनल. एंड प्लीज़ गाइज, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इनरोलमेंट करते हैं, तो आप प्लस इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें. ठीक है, कोड का इस्तेमाल करके आप किसी कोर्स के लिए अन अकेडमी पर इनरोल करते हैं तो 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.